हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरह आप ऑनलाइन मुंबई में मेट्रो टिकट ऑनलाइन निकाल सकते हैं और किस तरह उसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़े आसानी से मैं आपको अपने मोबाइल के द्वारा कैसे आप टिकट निकाल सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज़ छोड़ के मत जाना, इस वीडियो को एंड तक देखना। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ उस बेल आइकन को दबा देना जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और फिर मैं इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मेट्रो टिकट आप ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहले आपको रिडलर एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मेरे पुराने चैनल पे, जो कि मेरा चैनल मैंने बंद कर दिया है कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिडलर एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताया था कि BST टिकट आप कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला मेट्रो टिकट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा तो जरूर वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि BST टिकट ऑनलाइन निकाले थे लेकिन आपको 30 रुपीज़ भी कैशबैक मिला था और अभी भी वो ऑफर चल रहा है, तो आपको 30 रुपीज़ मिल जाएगा पहले ही, तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक कोड दूंगा जिससे आप साइन इन होंगे। तो यहाँ पे उस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह आप बड़े आसानी से साइन इन हो सकते हैं रिडलर ऐप में। और फिर अगर आप वो वीडियो देखकर साइन इन होते हैं तो आपको 30 रुपीज़ फर्स्ट टाइम मिल जाएगा जिससे आप मेट्रो में भी या कहीं पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ आज रिडलर ऐप से आप मेट्रो टिकट कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर बड़े ही आसानी से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख 14 के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मोबाइल टिकटिंग, यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप इनके फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज भी इनका दिखा देता हूँ जिससे कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाकर यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर और यहाँ पे सपोर्ट आईडी और फिर ये मुंबई में कहाँ पे स्थित हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लाइव ट्रैफिक भी चेक कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पे इंटर करना है और फिर यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट अपना एंटर करना है तो आपका ट्रैफिक बता देगा। ये गूगल मैप से लिंक होता है और उसके द्वारा ही आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे रेड, यहाँ पे पिंक और फिर यहाँ पे ब्लू, इसमें आपको दर्शाया गया है कि ट्रैफिक किस तरह है। यहाँ पे आपको मतलब स्मूथ है और यहाँ पे कंजक्शन ट्रैफिक्स है, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। और ऑफ़र डिटेल्स में यहाँ पे नए नए ऑफर्स आते रहते हैं नए नए वॉलेट के द्वारा। और यहाँ पे BST पासेस के ऊपर, डेली पासेस के ऊपर, NMMT टिकट और MBMT टिकट के ऊपर भी बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देखो, न्यू यूज़र, ऑल न्यू यूज़र गेट अ रिडलर पॉइंट, 30 रिडलर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और जो कि 7 डेज पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इसे देखिए मेट्रो में BST और NMMT टिकट और MBMT टिकट पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे आप मेट्रो टिकट ऑनलाइन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिडलर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जाना है मेट्रो टिकट के अंदर और यहाँ पे आपको अपना लोकेशन सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको अमाउंट दिखा रहा है और यहाँ पे आपको अमेजोन पे बैलेंस या अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो रिडलर में 30 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरे लिंक से अगर आप साइनअप करेंगे। तो यहाँ पे अमेजोन पे बैलेंस से अभी पे करने का ऑप्शन आ रहा है, फ्यूचर में शायद और भी वॉलेट्स का सपोर्ट आ जाए। और इससे अगर आप पे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कैंसिल हो गया, तो अगर आप पे करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको इससे फ़ायदे भी होंगे, जैसे कि मुझे 15 रुपीज़ कैशबैक मिला था इसी ऐप से फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरी लॉगिन डिटेल्स डाल के। यहाँ पे मैंने 2-स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन पे पासवर्ड मंगा लेता हूँ और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे OTP आ चुका है और यहाँ पे मैं OTP इंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड, बड़े आसानी से आप अमेज़न पे बैलेंस से पे कर सकते हैं, अमेज़न की ID आपको लगेगी और अमेज़न पे बैलेंस से आपको पे करना है। यहाँ पे मुझे कोड आ चुका है, यहाँ पे मैं फटाफट कोड डाल देता हूँ। और कोड डालने के बाद आपको जो अगर आपने ऐड किया होगा डेबिट कार्ड तो वो ऐड ऑप्शन दिखा देगा या आपके अमेज़न पे बैलेंस में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पे अमाउंट मुझे पेड करना है 30 रुपीज़। और यहाँ पे मैं पे के ऊपर क्लिक कर दूंगा अपना CVV डालने के बाद। यहाँ पे मैंने CVV अपना इंटर कर दिया और यहाँ पे पे नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बोला फर्स्ट टाइम 50% कैशबैक मिल जाएगा लेकिन मुझे 50 रुपीज़ मिला है क्योंकि 15% 30 का वही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे मेरे बैंक से मैसेज आया, मैं बैंक का मैसेज कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है मेरे OTP और OTP पेस्ट करने के बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे बैंक ने पेमेंट कर दिया अमेज़न पे में और यहाँ पे अमेज़न पे से वो रिडलर ऐप में चले जाएगा। तो इस रिडलर ऐप में जाने के बाद आपको फटाक से टिकट निकल जाएगी। और यहाँ पे मुझे जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू था इसीलिए वो ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इंटरनेट से कोई भी इमेज डाउनलोड करके बताया था। यहाँ पे आपको ऐसा QR कोड मिलता है
और इसे आपको बस स्कैन करना पड़ता है। और आपको कहाँ पे स्कैन करना है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप वहाँ पे रिलायंस के किसी भी कस्टमर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने टिकट निकाल दिया है, बड़े आसानी से टिकट आराम से निकल गया। ये स्कैन कोड आपको स्कैन करना है, वो भी आपको दो बार करना है। एक बार जब आप आई टिकट स्कैन करने के टाइम पे जब आप फर्स्ट टाइम एंट्री करेंगे तो आपको एक बार स्कैन करना था। जैसे कि आप मैं फर्स्ट टाइम एंट्री करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रिलायंस मेट्रो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मेट्रो टिकट के ऊपर फिर से क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरी टिकट अवेलेबल रहेगी फर्स्ट टाइम स्कैन के बाद वो मुझे दिखा दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको देख रहा है कि यहाँ पे पेटीएम लिखा हुआ है, स्किल इंडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा, जैसे मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपको अपना फ़ोन रखना है और एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री और स्कैन को एंड कर दिए। तो फिर आपको अगर नोटिफिकेशन पैनल में आपको ऊपर दिखाया जाए कि एक्सेस योर टिकट, यहाँ पे चलिए आइए जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं जर्नी स्टार्ट कर दिया हूँ और यहाँ से जैसे मैं कुछ 30 मिनट्स या अराउंड जितने भी टाइम लगेंगे उसमें मैं अगर अपने लोकेशन में पहुँच जाता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको फिर से स्कैन करना है। बड़े आसानी से आपको सिर्फ मशीन पे ऐसे रख कर ही आपको स्कैन करना है। जहाँ पे आप टोकन डालते हैं आपको टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आसानी से बिना टोकन के आप फटाक से पेमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए जर्नी का एंजॉय कीजिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एग्जिट स्कैन करेंगे, जब हम जाने लगेंगे तो आपको स्कैन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम वापस से मेट्रो टिकट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी टिकट रहेगी वो आ जाएगी, नहीं तो आप नोटिफिकेशन पैनल से वापस से अपनी टिकट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कैन कर दिया मैंने और फिर यहाँ पे मैंने फटाक से स्कैन कर दिया। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे बड़े आसानी से मेट्रो टिकट आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मेट्रो टिकट बड़े आसानी से निकाल दिया, यहाँ पे मैंने एंट्री भी आपको बताया और एग्जिट भी बड़ी आसानी से हमने कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया था पूरा, लेकिन बड़े आसानी से मैंने आपको एक ऑनलाइन टिकट निकाला है और फिर यहाँ पे स्कैन करना है बस वो QR कोड मशीन पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे रिलायंस के एम्प्लॉइज होंगे, मेट्रो के वहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनसे आप बड़े आसानी से पूछ सकते हैं। और फिर ये टिकट आप पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, एंट्री के पहले भी आप ये टिकट निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको 2 टाइम स्कैन करना है, वो आपका टिकट एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और फिर बस आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे लिंक से मीन्स मेरे कोड अगर फर्स्ट टाइम आप डालेंगे तो आपको 30 रुपीज़ फर्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले और ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।